अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने वाली हूँ टिक्का बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। आप लोग घर बैठे ये भी बनाइए, खाइए। और हाँ, इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी मेरी रेसिपी पसंद आने वाली है। इतनी इजी और आसान है, ये भी फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोगों के पास अगर मेहमान आ गए, अगर आप ये भी बनाना चाहें तो आप बनाकर खा सकते हैं। इतनी इजी और आसान रेसिपी है ये, आप ये भी बनाकर फटाफट खा सकते हैं। इतनी अच्छी और टेस्टी है, आप लोग बनाइए खाइए। और हाँ, बताइएगा ज़रूर मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी का। चिकन टिक्का बिरयानी में जो मैंने टिक्का मसाला इस्तेमाल किया है वो होममेड चिकन टिक्का मसाला है। इंशाल्लाह वो उसकी भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी रेसिपी मैं बताऊँगी। चलिए मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी का। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है बासमती राइस, देख सकते हैं मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया है। और ये है देखिए मैंने लिया है बासमती राइस, हाफ के जी से मैंने थोड़ा बढ़कर लिया है। और मैं इसमें डालने वाली हूँ सिनेमन स्टिक, थोड़ा सा शाह ज़ीरा, और इसमें मैं डालूँगी इलायची। अब मैं इसे इसी तरीके से आधे घंटे के लिए रख दूँगी भीगने के लिए। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन। अब मैं आपको इसमें सारे मसाले मिलाने की चीज़ें बताती हूँ। ये देखिए मैंने 2 चम्मच दही ले रही हूँ, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें ये देखिए ऑयल, मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। और इसमें साथ में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला 1/2 चम्मच, और ये देखिए ये टिक्का मसाला है, इसमें से मैं डालूँगी 2 चम्मच इसमें, और 1 चम्मच मैं अखने के लिए रख लूँगी। और मैं इसके साथ डाल रही हूँ देखिए आप लाल मिर्च पाउडर, मैंने लिया है 1.5 चम्मच, देखिए पूरा 2 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। और साथ में मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच मैं ये देखिए चावल में ऐड कर रही हूँ। और मैं डालूँगी इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन में कभी भी अदरक लहसुन ज़्यादा डालिए। ये देखिए मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। अब इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। साथ में मैं इसके डाल रही हूँ नींबू, देखिए 1/2 नींबू है ये, बड़ा वाला नींबू है ये। अच्छे से मैं इसका सारा रस इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें ये देखिए थोड़ा सा फ्रूट कलर ऐड करूँगी, ये देखिए मैं थोड़ा सा फ्रूट कलर ऐड कर रही हूँ। अब इस सारे मसाले को मैं चिकन में बहुत अच्छे से मिला लूँगी, मिला कर मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड में रखूँगी। ये देख सकते हैं सारा मसाला मैंने चिकन में बहुत अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसे एक साइड रख दूँगी। चलिए आधा घंटा हो गया है, अब मैं इसमें ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि इसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी मीडियम से तेल में। ये देखिए अब एक साइड में अखनी बनाने के लिए ज़्यादा तेल डाल रही हूँ, इसमें 1 चम्मच, इसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। अखनी में मेरे को प्याज भी तल कर निकालना है बिरयानी की, इसीलिए मैं ये देखिए 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब सारा चिकन मैं इस पर डाल दूंगी अच्छे से फ्राई होने के लिए। देखिए देखिए मीडियम साइज की प्याज मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, ये देख सकते हैं एक साइड अच्छे से पक रहा है। मैं एक साइड इस तरीके से पलटाते जाऊंगी सारे चिकन के पीसेस को, ये देखिए
ये देख सकते हैं हम एक साइड रख रहे हैं, एक एक कटोरी रखने वाली हूँ मैं इसमें। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ घी। अब मैं इसे कवर कर लूँगी इस तरीके से, एक दो मिनट के लिए मैं इसी तरीके से रखूँगी। एक साइड प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैं प्याज एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं साथ में चार काजू भी फ्राई करूँगी। एक देख सकते हैं ये रेडी है, मैं एक साइड रख देती हूँ इसे। अब मैं एक साइड चावल पकने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए काजू फ्राई हो गए हैं, मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं अखनी बना रही हूँ। अखनी के लिए देखिए मैं दालचीनी, शाहजीरा, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची ले रही हूँ और साथ में मैं डाल रही हूँ, मैं दो मीडियम डली छोटे छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। एक मैंने देखिए तल कर निकाला है और एक अखनी में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑलरेडी मैं अदरक लहसुन और सारे चीज़ें चिकन में मिला चुकी हूँ और नमक भी देखिए मैं हाफ चम्मच ही मिला रही हूँ। और मैं साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी, और साथ में मैं डाल रही हूँ एक चम्मच सिर्फ लाल मिर्च। सारे चीज़ें मैं बहुत अच्छे से मिला लूँगी। मैंने नमक चिकन में भी ऐड किया है, चावल में भी किया है, इसमें भी डालने का नमक बहुत कम और देख कर डालिए एकदम खारा ना हो जाए। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दही। ये देखिए दही मैं तीन चम्मच डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैं चिकन में भी दही डाला है तो इसे भी अच्छे से मिला लूँगी मैं। ये देखिए ये मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, चिकन टिक्का मसाला भी मैंने डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और पुदीना। देखिए अखनी में मैं सारे चिकन को मिला रही हूँ। चावल भी मेरे अच्छे से पक गए हैं, मैं चावल का पानी निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं चावल का एक हिस्सा मैंने निकाल दिया है। देखिए अब मैं इसमें जो अखनी रेडी हुई चिकन की मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी, लेकिन कितना जल्दी जल्दी बन गई है। आप हर चीज़ बनाकर घर बैठे खा सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी ये भी रेसिपी आपको पसंद आएंगी। अब मैं इसमें ये जो चावल है वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए अब मैं इस पर डालने वाली हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज इस तरीके से। अब मैं डालूँगी हरा धनिया और पुदीना और जो मैंने काजू फ्राई करके निकाल लिए थे वो काजू भी मैं इसमें डालूँगी। ये देख सकते हैं आप। अब मैं डालने वाली हूँ दूध, हाफ कप दूध लिया है मैंने। कभी भी बिरयानी में असली घी और दूध डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं डाल रही हूँ असली घी, मैं दो चम्मच असली घी ले रही हूँ। चलिए 10 मिनट के लिए मैं इसे धीमे पे कवर करके रख दूँगी। वाओ दम हो चुकी है बिरयानी, देख सकते हैं आप चिकन टिक्का बिरयानी इतनी अच्छी और बेहतरीन से खुशबू आ रही है। चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन रेसिपी बनी, और देख सकते हैं ये जो चावल है कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। देखिए आप, मैं इसे डिश आउट करने वाली हूँ। वाओ देख सकते हैं आप इतनी बेहतरीन सी रेसिपी है चिकन टिक्का बिरयानी। आप लोग ये भी घर बैठे बना सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी है, आप लोग बनाइए खाइए। इंशाल्लाह मेरी ये भी रेसिपी आपको पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
इंशाल्लाह मैं आपको नई और अच्छी से अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।